अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सपा में घर वापसी में लगे नेता, नहीं दिख रहा किसी दल में भविष्य, सपा के साथ सबको दिख रहा करियर, पहले सपा को छोड़ा लेकिन फिर वापसी, अखिलेश यादव ने फैसले का किया स्वागत, और भी नेताओं की जल्द हो सकती है सपा में एंट्री। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव से पहले लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती देने के लिए अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। पार्टी को मजबूती देने के साथ ही बीजेपी को 2022 में चुनौती देने के लिए सपा लगातार प्रयास में है और अखिलेश यादव युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। गजब की बात ये भी है कि जो पहले दूसरे दलों के लालच में आकर सपा से अलग हुए थे वो सपा में वापसी कर रहे हैं और उनके साथ दूसरे दलों के नेता भी सपा में आ रहे हैं। उन्हें अब अपना सियासी भविष्य सपा में दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि सपा में सत्ताधारी पार्टी के तमाम बड़े नेता आने का प्लान बना रहे हैं और सपा को भी पता है कि उनके आने से पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। ऐसे में अखिलेश यादव भी जो भी नेता आ रहे हैं उन्हें खुले दिल से पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अखिलेश यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी में सीएम के सामने किसी की नहीं चलती और नेताओं की बात नहीं सुनी जाती, उनकी आवाज को दबाया जाता है, चाहे वो विधायक हो, कार्यकर्ता हो या फिर सांसद। ऐसे में तमाम नेता नाराजगी जाहिर करते रहते हैं और अक्सर कर सीएम योगी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं। इन्हीं वजहों की वजह से कई नेता अब सपा के साथ आने का मन बना रहे हैं और सपा के साथ सियासी पारी को आगे बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। इसी बीच हापुड़ में समाजवादी पार्टी की उपजन सभा की पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनिल आजाद एडवोकेट और पूर्व नगर अध्यक्ष इकबाल कुरैशी की सपा में वापसी हो गई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने बताया कि समाजवादी पार्टी की उपजन सभा की पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनिल आजाद एडवोकेट और पूर्व नगर अध्यक्ष इकबाल कुरैशी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पार्टी में वापसी कर उन्हें शामिल किया। दोनों नेताओं ने सपा में वापसी के बाद कहा कि सपा के अलावा यूपी में कोई ऐसा दल नहीं जो विपक्ष को टक्कर दे पाए और 2022 में सपा एक तरफा जीत दर्ज कर रही है और सरकार बना रही है। नेताओं ने कहा कि जब साफ संकेत सपा के सत्ता में आने के मिल रहे हैं तो फिर क्यों ना सपा के साथ ही काम कर मजबूती दी जाए और 2022 में मिलने वाली जीत को बड़ा बनाया जाए। समाजवादी पार्टी में जो नेता आ रहे हैं उनसे सपा कुनबा तो बड़ा हो ही रहा है, साथ ही सपा को बढ़त भी मिल रही है। इससे विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ रही हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। खासकर बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान दिख रही है, लेकिन इस सबसे समाजवादी पार्टी गदगद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।